नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन जंतवाल। तो दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, समय हो चुका है, दिन के अभी बजे हैं 11। तो मैं पहुंच चुका हूं खूबसूरत शहर भीमताल में। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं खूबसूरत हिल स्टेशन भीमताल में। तो दोस्तों, आज मदन चाचा का है गृह प्रवेश। तो इन्होंने भीमताल में बना रखा है घर, तो दिखाएंगे आप मदन चाचा का घर जो यहाँ पर बना रखा है भीमताल में। तो यहाँ पर है दोस्तों, यह है मेन रोड हल्द्वानी काठगोदाम वाली रोड। तो उसके जस्ट ऊपर में एक घर बना रखा है, तो आपको पूरा दिखाया जाएगा घर। सामने जो वाली पहाड़ी है ये है घोड़ाखाल, और आपको जो सामने दिख रहा है ये है भुवाली, और जो आपको ये पूरा शहर दिख जाएगा ये है भीमताल, और जो ये सामने वाली जो रोड है दोस्तों ये है काठगोदाम हल्द्वानी वाली। तो दोस्तों, दिखाएंगे आपको पूरा घर। तो ये है घर दोस्तों, और इस तरफ पूरा भीमताल शहर। तो ले चलते हैं अंदर, पहले दिखाते हैं ये वाला रूम, और उसके बाद बगल में एक रूम और है। तो 2 BHK रूम बना रखे हैं दोस्तों, तो एक फैमिली इस तरफ रह सकती है, एक फैमिली इस तरफ रह सकती है, और ये है टेरिस, ऊपर छत में जाने के लिए सीढ़ियाँ। तो ले चलते हैं, पहले ये वाला रूम दिखाएंगे आप। पहले खोलेंगे दरवाज़ा। तो दोस्तों, ये है एक रूम, ये है दोस्तों दो रूम और दो अटैच बाथरूम और एक किचन। तो इसका एक और सेम उस तरफ भी सेम ही है। तो अब मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ ये है बाहर वाला रूम, और जैसे हम अंदर जाएंगे तो हमको नज़र आएगा इसके बगल में एकदम किचन। तो किचन के बगल में, जस्ट बगल में आप जैसे ही फ्रंट, तो ये है अटैच बाथरूम। मैंने आपको अटैच बाथरूम भी दिखाया, तो ये बना रखा है अटैच बाथरूम। और उसके बाद जैसे हम जाएंगे बाहर की तरफ, तो फिर इससे अंदर जाएंगे तो ये वाला रूम मिल जाएगा। तो जैसे अंदर हम जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर लाइट जला देते हैं, तो खूबसूरत सा कलर वलर हो चुका है पूरा। और उसके बाद हम सीधे जाएंगे, इसके साथ ही अटैच बाथरूम यहाँ पे भी है, और हम जाएंगे अंदर, दिखाएंगे ये वाला बाथरूम भी आपको। ये लीजिए खूबसूरत सा, वाओ। तो शावर भी लगा रखा है, जैसे बाहर सुविधा होती है 5-स्टार होटलों में, तो उस हिसाब से बना रखा है। देख सकते हैं टाइल कलर आपको कैसा लगा जरूर बताना। तो दिखाते हैं बगल वाला रूम भी सेम है। तो चलते हैं, दूसरा वाला रूम भी आपको दिखाया जाएगा। तो ये है इसका फ्रंट दोस्तों, तो इस वाले जो ये है इसका फ्रंट, और इसके बाद हम जाएंगे दूसरे वाले में। तो दूसरे वाला रूम सेम ही है, तो चलते हैं अंदर। तो पंडित जी यहाँ पे कर रहे हैं गृह प्रवेश की तैयारी। तो यहाँ पे पूजा पाठ की जो भी सामग्री है सभी रख दी है उनके सामने। तो पंडित जी लगे हैं, और चाची ने पूरा जो घर है पूरा सफाई कर दिया है, धेय पांड सब लिप है। तो हम एकदम भतेरजुल दूसर, ये देखो बगल में एकदम यो किचन मिल जाता मुझे एमी सेम से जस उस रूम से उसे योलो से। तो और इधर गले बाथरूम अटैच है, तो यहाँ खूबसूरत टाइल लग रही, और अटैच बाथरूम और शावर। और ये बात पर जब हम भतेरा वाला रूम में जुल, तो एक लाइट अच्छी है, लाइट भतेरा होना ले तीन सी लाइट, तो लाइट जला है। तो यो रूम ले, और इधर का सेम अटैच बाथरूम, तो यो एमी यहाँ बोले लाइट जुल, ये बाथरूम में लाइट होना ले। तो यहाँ से हम अंदर घुस गए हैं, और ये भी सेम दोस्तों, गृह प्रवेश की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो पंडित जी बैठ गए हैं पूजा पाठ के लिए, तो जितनी भी यहाँ पे इनकी जो सामग्री लगी वो तैयारी पर लगे हैं। तो हम लगते हैं किचन के अंदर, जो भी हमें पकवान बनाने होते हैं, पूरी होगी, आलू सब्जी जो भी है, जो भी बनना होता है पूजा पाठ में, तो हमें सब बनाना पड़ेगा। तो आज है गृह प्रवेश, तो नई जगह है हमारे लिए भी, खूबसूरत जगह है भीमताल। तो चचा ने बना रखा है न्यू नया घर, स्वीट होम दोस्तों। और इस तरफ आप देखेंगे यहाँ से जो लोकेशन आती है, गजब की लोकेशन आ रही है भीमताल की, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं दोस्तों। सामने देख सकते हैं खूबसूरत भीमताल शहर। और मेन रोड में मैंने आपको कहा कि 100 मीटर की दूरी में जो मेन रोड है अल्मोड़ा काठगोदाम वाली रोड दोस्तों, तो ये हाईवे के जस्ट बगल में है। तो आप जाते हैं छत में, तो छत के लिए ये वाले सीढ़ियाँ दे रखी हैं, चलते हैं ऊपर की ओर। इसमें जाने के लिए यहाँ से आप जा सकते हैं, और ये है टेरिस वाला रूट रास्ता ऊपर। तो यहाँ से जब व्यू आता है गजब का, ये लीजिए देखिए सामने, जब आपको फ्रंट जैसे भीमताल दिखता है, तो यहाँ पे चेयर लेके बैठ के आराम से भीमताल का मज़ा ले सकते हैं। वाव, सब नया घर बनना है यहाँ भी, और ये सामने अभी ये खाली ज़मीन पड़ी है, और इस तरफ भी है, इस तरफ है दोस्तों अभी। तो भुवंदा ने ले रखा है इस तरफ वाला, जहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी है, तो ये है भुवंदा की जगह, उन्होंने अभी बना नहीं रखा दोस्तों। तो मदन चाचा ने अपने घर बना दिया है भीमताल में। तो पूरा मैंने आपको घर दिखाया, तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और जो लोकेशन की बात करें, गजब की लोकेशन है भीमताल में, वाओ।
किचन है। तो ये है छोटा सा किचन यहाँ पे। तो यहाँ पे गृह प्रवेश के लिए जो पूरियाँ बनेंगी तो इसमें बनाई जाएगी, और अंजू मैंने सब्जी काट के रख दी है तो खुशक सब्जी बनेगी और पूरियाँ। तो सूजी भूट दी है, तो जितना भी सामग्री ये देखो चाची बना रही है पूरियाँ, आटा गूंथ रही है पूरी के लिए। तो इस पहले बनाएंगे पूरियाँ, और बाहर जो हमने आम के पत्ते लगाने हैं तो आमा और नैत के ला रही आमा पत्ते पत्ते होगा देखो। हाँ चलो यहाँ से लेके वहाँ तक इसको बाँध रखो, ये लो तो आम के पत्ते बाँधेंगे। कहाँ से बाँधेगा, ऊपर से बाँधना। तो दोस्तों अभी हम हैं टेरिस पे, तो हम लगा रहे हैं मकान के आगे से आम के पत्ते, तो शुभ माने जाते हैं गृह प्रवेश में, तो हम लगा रहे हैं दोस्तों। तो उसके बाद हम जाएंगे नीचे, तो उसके बाद खाना वाना भी बनाना है, तो पहले लगाते हैं आम के पत्ते। इसको यहाँ पे पत्थर लगा दें यहाँ पे बस। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं पूरियाँ, जो गोगराट है वहाँ पंडित जी लगे हैं अपने कार्य में। तो ये गोगराट ले गए हैं पंडित जी। तो घर के हर कोने में दिया जला दिया है, तो आप गृह प्रवेश। हाँ तो अब चाची बैठेगी पूजा में और आमा बनाएगी अब पूरियाँ जो हम लोग खाएंगे, तो हमारे जो खाने के लिए बनेंगी पूरियाँ यहाँ पे। भल भल बने आमा। हाँ ओम नारायणाय नमः। गुणकंडिकेभ्यै नमः। गुणवंशाकेभ्यो नमः। पूर्णाग्रेभ्यो नमः। दोस्तों समय भी हो चुका है 12:30 से ज़्यादा, तो पंडित जी कर रहे हैं पाठ और हम बना रहे हैं अंदर खाना। तो दोस्तों पूरियाँ हमने बनानी है, तो सब्जी बनेगी खुशक सब्जी, तो करते हैं स्टार्ट। तो मैंने टमाटर डाल दिए हैं, तो प्याज तो आज पड़ेगा नहीं, खाली टमाटर पड़ेगा। और जो खुशक सब्जी है हमारा आलू लौकी, तो स्टार्ट कर रहे हैं सब्जी बनाना। तो टमाटर इसमें खोल लेते हैं पहले, देख कैसे बनाते हैं हम खाना, चकाटक वाला ना। तो पूरियाँ सब बन चुकी हैं, समय हो चुका है दिन के 2 बजे हैं, तो हमारा जो गृह प्रवेश था कार्यक्रम वो हो चुका है दोस्तों समाप्त। तो अब करेंगे खाना पीने की तैयारी, तो समय भी ज़्यादा हो चुका है। तो चचा ला रखे हैं बेसन के लड्डू, बेसन के लड्डू उन्होंने खा लिए हैं, तो इतना रखा है मेरे लिए, तो स्टार्ट थोड़ा चख लेते हैं कैसे होते हैं बेसन के लड्डू, गजब के। तो चाय पानी पी ले, और खाना हो चुका है तैयार, तो पीठिया पानी हम लोगों ने लगा दिया है, तो उसके बाद घर भी जाना है, तो स्टार्ट करते हैं खाना आप। दोस्तों समय हो चुका है 2 बज चुके हैं, तो हम लोगों ने खाना लगा दिया है, तो हमारे मित्रों और भी आ रखे हैं, तो स्टार्ट करते हैं आप खाना खाना। लोगों को भी दे दिया है खाना, तो 4-5 लोग हैं, स्टार्ट करके यहाँ से फिर चले जाएंगे हम घर को। दोस्तों जो घर है आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो मदन सिंह ने बहुत खूबसूरत घर बना रखा है भीमताल में। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं विराम, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल पर, अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय दोस्तों।